प्रेजेंटिंग बाय अम्बे स्टूडियो पाणुंद। हे प्रीत जहां की रीत मैं गीत वहां के भारत का रहे हे भारत का रहने काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा ओ काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा हमें और नहीं आता हो हमें प्यार निभा जिसे मान चुकी सारी दुनिया जिसे मान चुकी सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ भारत की बात सिकंदर जब देश में आया हिंदुस्तान में सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया पूरी दुनिया को लूटता हुआ आया और अब हिंदुस्तान को लूटने लगा तो साधु मिल गए और साधु नाच रहे थे जैसे आप नाच रहे हो। साधु जब नाचते हुए देखा तो सिकंदर ने देखा कि साधुओं के पास न तो पहनने के कपड़े न इनका भोजन का ठिकाना और फिर भी यह मस्ती कहां से आई मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं ना सुख है ना दुख है ना शोक कुछ भी अजब है ये मस्ती और कुछ नहीं। ये जो मस्ती आपकी जो दिख रही है ना ये पैसे वालों के पास नहीं है वो सब नींद की टेबलेट लेके सोते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई थायराइडर खाना कहीं कहीं बीमारियां उनको डॉक्टर भी कह देते हैं तेरे जो है ना अब शुगर की बीमारी होगी जो कि रोटी दाल को पानी पी ये पैसा धन का ही काम को नहीं आवे। सिकंदर पूरी दुनिया का धन लूट करके आया फिर भी उनको वो मस्ती नहीं मिली जो मस्ती हमारे संतों के पास रहती है इन फकीरों के पास रहती है। जाकर के पूछा रहे महात्माओं आपको ये मस्ती कहां से मिली ये आनंद कहां से मिला इतना आनंदित होकर के नाच रहे हो क्या इसका क्या राज है मुझे भी ऐसी मस्ती चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब तुम दुनिया का खून पीने वाले लोगों को यह मस्ती नहीं मिल सकती है। जो लोगों को सताना लोगों को कोसना लोगों को लूटना इन लुटेरों को कहां से मस्ती मिलेगी साहब आप तो लोगों को रुलाने वाले को लोगों को रुलाते हो तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये मस्ती कैसे मिल सकती है
तो संत ने कहा कि ये सुई और तागा है, सुनिए ये सुई और तागा है। संतों ने कहा सिकंदर ये तू परलोक में ले जाना और ये हमें दे देना, हमारे कपड़े फट जाते हैं तो हम सी लेते हैं इसे, तो ये परलोक में दे देना। तो सिकंदर ने कहा रे महात्माओं सुई तागा क्या परलोक में थोड़ी जाता है। तो महात्मा ने कहा यही तो समझाना चाहते कि सारी दुनिया का भले ही धन लूट ले पर परलोक में जाने वाला नहीं है, यही हमें समझाने के हम आपको समझाने के लिए आए हैं। इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का। अरे धोखा वही देता है जिस पर भरोसा, जिन पर आपने भरोसा किया है सब धोखे वाले और धक्केबाज लोग हैं। सिकंदर को समझ में आ गया और सिकंदर ने एक बात कही कि हे दुनिया के लोगों, मैं सारी दुनिया को जीत करके आया हूं पर हिंदुस्तान के संतों के आगे मैं हार गया हूं, या मैंने पहली बार हार मानी है। और जब मरने लगा तो सिकंदर ने कहा, सुनिए सिकंदर ने कहा कि कब्र के जब मेरा शरीर दफनाया जाए तो कब्र के बाहर हाथ निकाल देना, नहीं तो दुनिया बदनाम कर देगी कि सिकंदर सारा धन लूट करके ले गया। मेरा हाथ खाली हाथ जा रहा हूं आज, दोनों हाथ बाहर निकालना। जब उसको दफनाया गया उसके एक हाथ कब्र के बाहर निकाले गए, तब कहा लुट गए लाखों बाग जिसके हजारों माली थे, लुट गए लाखों बाग जिसके हजारों माली थे, जब चला सिकंदर दुनिया से तब दोनों हाथ। लूटे हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, कितने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का भारत का रहने है वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ पे गाता हूँ। भारत का रहने वाला है, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की